हेलो स्टूडेंट्स आज हम इस लेक्चर में सी एस एस मॉडल के बारे में स्टडी करेंगे जो सी एस एस मॉडल होता है वो एक कंटेनर की तरह बिहेव करता है और उस कंटेनर में डिफरेंट टाइप के एट्रीब्यूट्स प्रॉपर्टी इंक्लूड रहती है जैसे कि बॉर्डर हो गया मार्जिन हो गया पैडिंग हो गया और जो एक्चुअल डेटा जो है एज़ ए टेक्स्ट और इमेज के फॉर्म में रहता है उसको हम यहाँ पर है। रखते हैं तो सी एस एस मॉडल इज ए कंटेनर विच कंटेन द मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ इंक्लूडिंग बॉर्डर मार्जिन पैडिंग एंड द कंटेंट इट सेल्फ ये थी इसकी डेफिनेशन एंड यूज़ कहाँ करते हैं इट इज़ यूज टू क्रिएट द डिज़ाइन एंड ले आउट ऑफ वेब पेज जो भी वेब पेज है उसकी डिज़ाइनिंग में और ले आउट्स में हम लोग इसका यूज़ करते हैं तो जो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं बॉक्स मॉडल की हमने यहाँ पर इंडिकेट कर रखी हैं तो पहली जो मेन प्रॉपर्टी है वो बॉर्डर है सेकेंड है मार्जिन एंड थर्ड पैडिंग और फोर्थ इस कंटेंट ये किसी भी ऑर्डर में आप लिख सकते हैं इनको और इन जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हमने ग्राफिकली नीचे फिगर में रिप्रेजेंट कर रखा है कि सबसे पहले मिडिल जो है पार्ट में कंटेंट आता है बाद पैडिंग होती है और फिर बॉर्डर और मार्जिन इस ढंग से ये बॉक्स मॉडल का रिप्रेजेंटेशन होता है तो इनकी डेफिनेशन देख लें कंटेंट में जो भी हमें लिखना है या जो हम इमेज देखना चाहते हैं डिस्प्ले कराना चाहते हैं वो रहती है पैडिंग में जो कंटेंट के चारों तरफ रेक्टेंगुलर एरिया में जो भी क्लियर स्पेस रहता है वो पैडिंग कहलाता है और ये ट्रांसपेरेंटर होता है जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है कंटेंट वाइट कलर का उसके चारों तरफ हमने पैडिंग दिखा रखी है ट्रांसपेरेंट कलर मेरे प्रेजेंटेशन होता है उसके बाद बॉर्डर डिज़ाइन किया जाता है उसके चारों तरफ तो जो बॉर्डर होता है वो अराउंड द पैडिंग और कंटेंट अराउंड किया जाता है फिर आता है मार्जिन तो मार्जिन जो है वो भी एक क्लियर स्पेस है बॉर्डर के बाहर का और ये भी ट्रांसपेरेंट ही होता है नेक्स्ट सिंटेक्स सिंटेक्स लिखने के लिए हम डिव टैग टैग का यूज़ करते हैं तो डिव हमने और उसके बाद में कर्ली ब्रेसेस यूज किया हमने बिथ डिफाइन कर दी थ्री हंड्रेड पिक्सल्स की तो हम थ्री हंड्रेड पी एक्स लिख देंगे सेमी कॉलम लगाएंगे फिर बॉर्डर कॉलम टेन पी एक्स का बॉर्डर हमने डिफाइन कर दिया उसकी बिथ डिफाइन कर दी कि दस पिक्सल की रहेगी उसकी बिथ जो आउटलाइन का कलर रहेगा वो सॉलिड रहेगा और वो भी कलर कैसा है रेड है उसका पैडिंग डिसाइड कर दी कि ट्वेंटी पिक्सल्स की पैडिंग रहेगी क्लियर एरिया रहेगा अराउंड द कंटेंट उसका मार्जिन डिसाइड कर दिया हमने कि मार्जिन जो है वो बॉर्डर के अराउंड क्लियर एरिया होता है वो भी टेन पिक्सल्स का रहेगा और अगर इसके बेसिस पे हम ये फाइंड आउट करें कि जो रेक्टेंगुलर बन के आ रहा है उसकी बिथ और हाइट क्या होगी तो वो ही फार्मूला रहेगा तो हम यहाँ पर बिथ की रिस्पेक्टिवली कर, कैलकुलेशन करके देख लेते हैं टोटल एलिमेंट बिथ रहेगी बॉक्स मॉडल की तो एक्चुअल जो बिथ है प्लस लेफ्ट पैडिंग और राइट पैडिंग सिमिलरली लेफ्ट बॉर्डर और राइट right बॉर्डर और लेफ्ट मार्जिन और राइट right मार्जिन तो ये सारी वैल्यूज जो है बॉर्डर पैडिंग और मार्जिन की टू टाइम्स हो जाएंगी लेफ्ट में भी होंगी और राइट right में भी सेम ऑर्डर में अगर हम हाइट को कैलकुलेट करेंगे तो हाइट प्लस टॉप एंड बॉटम पैडिंग हो जाएगी टॉप एंड बॉटम बॉर्डर हो जाएगा और टॉप और बॉटम माजिन हो जाएगा तो ये कैलकुलेशन अगर हम देखते हैं तो 300 सौ पी एक्स पिक्सल वैल्यू हमने बिथ की दे रखी है ट्वेंटी पिक्सल वैल्यू हो जाएगी क्योंकि हमने टेन दे रखी है पैडिंग यहाँ पे ट्वेंटी पी एक्स हो गया नहीं जो पैडिंग होगा वो एक थोड़ा सा हमने मॉडिफ़ाई किया कि जो पैडिंग थी वो हमने यहाँ डिफाइन कर रखी टू ट्वेंटी पी एक्स की तो पैडिंग जो हो गई वो लेफ्ट राइट के हिसाब से फोर्टी पी एक्स हो गई देन बॉर्डर जो है वो टेन पी एक्स का दिखा रखा है तो दोनों साइड का ट्वेंटी पी एक्स हो गया और सिमिलरली मार्जिन जो है वो भी टेन पी एक्स दिखा रखा है तो दोनों साइड का ट्वेंटी हो गया तो जो टोटल आया वो थ्री एट्टी पी एक्स बेथ आ गई और सिमिलरली यही उसकी हाइट भी रहेगी अगर हम हाइट डिफाइन करेंगे अगर हम इसका प्रोग्राम देखें तो प्रोग्राम लिखने का जो सिंटेक्स रहेगा वो जिस ढंग से रहेगा कि सबसे पहले हम एस टी एम एल लिखेंगे और उसके बाद हेड हेड के बाद स्टाइल और स्टाइल में हम बॉक्स के लिए डिज़ाइनिंग करेंगे तो यहाँ हम पर हमें डिव नाम का से यूज़ किया बॉक्स बनाने के लिए तो बैकग्राउंड कलर हो गया लाइट ग्रे बिथ हो गई थ्री हंड्रेड पी एक्स बॉडर हो गया फिफ्टीन पी एक्स पैडिंग फिफ्टी पी एक्स और मार्जिन ट्वेंटी पी एक्स और इस डिप को यहाँ पे हमने क्लोज़ कर दिया और स्टाइल को क्लोज़ कर दिया और सिमिलरली हेड को भी हमने यहाँ क्लोज कर दिया क्योंकि स्टाइल हमेशा हेड के अंदर होता है और डिव जो बॉक्स होता है वो स्टाइल के अंदर होता है उसके बाद बॉडी स्टार्ट करी बॉडी में एक हेडिंग डाला हमने बॉक्स मॉडल दिखा शो ऑफ करने के लिए कि हम बॉक्स पे वर्क कर रहे हैं नेक्स्ट डिप जो हमने डिप का जो बॉक्स बनाया है उसमें हमने क्या कंटेंट शो कराना चाह रहे हैं दिस इज द कंटेंट ऑफ द बॉक्स एरिया फॉर डिस्प्लेइंग द टेक्स्ट एंड एंड इमेज तो ये लिखा हुआ आ जाएगा उस बॉक्स के अंदर फिर हमने डिप को क्लोज कर दिया बॉडी को क्लोज कर दिया और एस टी एम आर को तो जो आउटपुट आएगा वो कुछ इस ढंग से आएगा कि बॉक्स मॉडल बना हुआ होगा ये बॉक्स मॉडल का जस्ट बाद में मार्जिन का वाइट एरिया है देन बॉर्डर डिज़ाइन है और बॉर्डर के बाद में हमने पैडिंग डिफाइन कर रखी है और ये हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया तो ये हमारा बॉक्स मॉडल का लेक्चर था अगर ठीक लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए